तो महर्षि वाल्मीकि की जन्मभूमि लालापुर में पर्यटन विकास का कार्य भी हमारी सरकार और भारत की सरकार मिलकर के कर रही, डबल इंजन की सरकार डबल डोज का काम भी करती है, जनता को दुगना कई गुना लाभ भी देती है। लेकिन जब जब विकास की सोच की सरकार नहीं होती है तो आतंकवाद को प्रश्रय देती है, अपराध को प्रश्रय देती है। आज जो पैसा गरीबों के मकान बनने में खर्च हो रहे हैं, फायर स्टेशन के बनाने में, विश्वविद्यालय के बनाने में, एटीएस सेंटर के निर्माण में खर्च हो रहा है, यह पैसा पहले कहां जाता था? निकल देख रहे ना, एक सप्ताह पहले आपने देखा होगा हमें जेसीबी से दीवार तोड़ करके नोट की गड्डी निकालनी पड़ी थी। आप देखिए, हमने नाम नहीं लिया था, हमने नाम नहीं लिया, लेकिन कहते हैं ना कहावत है, चोर की दाढ़ी में तिनका। जब ये पैसा निकाला जा रहा था, जो गरीबों का पैसा लूट करके पिछली सरकारों ने भर भर करके दीवालों के अंदर भरा हुआ था, तो सबसे पहले बुरा लगा था समाजवादी पार्टी के बबुआ को, कहते थे कि ये पैसा क्यों निकाला जा रहा है। भाइयों बहनों, उनकी पीड़ा गरीब के साथ नहीं, नौजवान के साथ नहीं, महिलाओं के साथ नहीं, किसानों के साथ नहीं, उनकी पीड़ा तो माफियाओं के साथ में है। जब माफियाओं पर बुलडोजर चलता है तो इनको पीड़ा होती है, जब माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई होती है इनको पीड़ा होती है, जब कावड़ यात्रा चलाई जाती है तो इनको पीड़ा होती है, जब राम मंदिर का निर्माण प्रारंभ होता है तो इनको पीड़ा होती है, जब भाइयों बहनों मथुरा वृंदावन में भगवान कृष्ण की जन्मभूमि पर निर्माण के कार्य युद्ध स्तर पर आगे बढ़ते हैं तो इनको पीड़ा होती है। लेकिन हमारी सरकार जो कहती है सो करके दिखाती भी है। आपने देखा होगा हमने जो कहा सो करके दिखा दिया। सबका साथ और सबके विकास का मंत्र प्रधानमंत्री मोदी जी ने दिया था। हमने गांव के लिए, गरीब के लिए, किसान के लिए, नौजवान के लिए, महिलाओं के लिए, सबके लिए विकास की योजनाओं को प्रमुखता के साथ आगे बढ़ाने का कार्य तो किया ही, सुरक्षा का भी कार्य मजबूती के साथ आगे बढ़ाया, विकास की बड़ी बड़ी परियोजनाओं को आगे बढ़ाया, और भाइयों बहनों आस्था का भी सम्मान किया। मैं पूछना चाहता हूं, क्या अयोध्या में राम जन्मभूमि पर भगवान राम के भव्य मंदिर का निर्माण क्या समाजवादी पार्टी कराती? आपको विश्वास हो रहा है क्या? अरे जो राम भक्तों पर गोलियां चलाते थे क्या वे राम मंदिर का निर्माण करते? लेकिन आपकी ताकत ने आज उनको नाक रगड़ने के लिए मजबूर कर दिया है। आज तो कह रहे हैं ना, आज तो उनको भी कहने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है ना, और नहीं तो पहले क्या बोलते थे कि परिंदा भी पर नहीं मार सकता, बोलते थे ना, परिंदा भी पर नहीं मार सकता। जब बेटियों के साथ छेड़छाड़ होती थी तो क्या कहते थे? गलती हो जाती है, यही बोलते थे ना। अब तो गलती नहीं होती ना, अब तो कार्रवाई होती है ना। भाइयों बहनों, बस यही याद दिलाने के लिए आज आए हैं। ये एटीएस सेंटर न केवल देवबंद और सहारनपुर के लिए बल्कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश की सुरक्षा का एक मजबूत आधार बनेगा, और सरकार की पूरी प्राथमिकता है, पूरी प्रतिबद्धता है, सुरक्षा के साथ कोई खिलवाड़ किसी को नहीं करने देंगे। विकास प्राथमिकता है, शासन की योजनाओं का लाभ हर गांव हर गरीब को मिलना चाहिए, बिना भेदभाव के मिलना चाहिए, लेकिन साथ साथ सबको सुरक्षा, बिना भेदभाव के सुरक्षा देने के लिए भी सरकार पूरी तरह संकल्पित है। और आज यहां 200 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का जो लोकार्पण यहां पर किया जा रहा है, इन लोकार्पण कार्यक्रमों के साथ प्रदेश के दर्जनों, लगभग 2 दर्जन से अधिक हम लोगों ने फायर स्टेशन के भी लोकार्पण के कार्यक्रम को आज यहां पर संपन्न किया है। मैं उन सभी जनप्रतिनिधियों को,
इसके लिए बधाई देता हूं जिनके यहां पर ये फायर स्टेशन के कार्यक्रम संपन्न हुए हैं। और साथ साथ भाइयों बहनों, मैं इस एटीएस सेंटर के लिए कुंवर ब्रजेश सिंह जी को, यहां के माननीय सांसद जी को, यहां के हमारे पूर्व सांसद के साथ साथ हमारे जितने भी यहां के विधायक गण हैं, जनप्रतिनिधि गण हैं, उन सभी को मैं हृदय से इसके लिए धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने विकास के इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने के लिए अपना योगदान दिया है। आप सबको मैं इन योजनाओं के लिए अपनी मंगलमय शुभकामनाएं देता हूं और विश्वास करता हूं कि योजनाएं आप सबके लिए फलीभूत होंगी। इस विश्वास के साथ मैं आप सबके प्रति अपनी शुभकामनाएं देते हुए वाणी को देता हूं विराम। जय जय श्री राम। जय श्री राम। जय जय श्री राम। जय श्री राम। जय जय श्री राम। तो गिरगिट की तरह रंग बदल रहे हैं विपक्षी नेता। पहले ऐसे गुंडों का राज था और अब देखिए परिंदा भी पर नहीं मार सकता। योगी आदित्यनाथ देवबंद से रैली को संबोधित करते हुए कि लोगों ने राम मंदिर निर्माण को होने नहीं दिया और अब राम मंदिर निर्माण हो रहा है तो राम मंदिर निर्माण से इनको पीड़ा हो रही है। माफिया पर बुलडोजर चलने से भी इनको पीड़ा होती है। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.